फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा क्रेडिट पार्क ऑनलाइन लोन ऐप का। ये किस तरीका का ऐप है, लोगों को लोन देगा कि नहीं देगा या कुछ और करेगा, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट पार्क ऑनलाइन लोन ऐप एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है, जिसका ये दावा है कि ये आपको 5,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दिलवा सकता है। टाइम के बारे में बताता है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है और कोई फीस नहीं है। और लोन इनका देने का वही प्रोसेस है जैसे सारे लोन ऐप्स का होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर रजिस्टर करो, अपनी बेसिक डिटेल्स दो, उसके बाद लोन अमाउंट सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो, आपके अकाउंट में डायरेक्टली लोन आ जाएगा। और एक आईडी दे रखी है कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं क्या हो रहा है जब लोग यहाँ से लोन लेने की कोशिश करते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करके अपने डिटेल्स भरने के बाद अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, लोन आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों, ये आपको कोई लोन नहीं देगा, ये डेटा कलेक्टिंग ऐप है। और ये आपको अगर लोन ना भी दे और कुछ और भी करे तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके साथ ऐसा भी कर सकता है कि 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन वाला लोन आपको दे, छोटा सा अमाउंट अपनी औकात के हिसाब से डाले और उसके बाद हाई इंटरेस्ट लगाकर डबल अमाउंट आपसे मांगे, तो ये भी इस ऐप का फीचर हो सकता है। तो ये आपको लोन तो देगा नहीं, और अगर इसने लोन दिया तो आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपका डेटा कॉन्टैक्ट लिस्ट जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे इनके पास पहुंच जाएगी और उसी के बलबूते उसी की मदद से ये लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, आपको हैरेस करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स में भी गलत सलत दिखकर भेजेंगे कि आप लोन लेकर भाग गए या आपकी न्यूड इमेजेस भेज सकते हैं, और आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, उनके साथ भी गाली गलौज किया जाएगा ताकि वो लोग आपसे कहें कि आप रिपे कर दें, और आपको रिपे करना ही नहीं है ऐसे ऐप में। अगर इन लोगों ने जबरदस्ती का पैसा डाला या बिना बताए पैसा डाला या कुछ भी ऐसा किया जो आपके बिना मर्जी के खिलाफ है, तो आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना, भले इन लोगों ने पैसा डाला हो चाहे ना डाला हो, तो कोई रिपेमेंट नहीं करना है आपको। ये लोग आपके साथ गलत करेंगे, ये सही ऐप नहीं है, ये एक फेक ऐप दिख रहा है, और इस ऐप से दूर रहें, ये अनसेफ ऐप है, रिस्की ऐप है। और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग कोई भी ऐसी गलती ना करें कि उनका डेटा जाए या फिर उनको ज्यादा पैसा देना पड़े या फिर उनके साथ हैरेसमेंट हो, कोई बदतमीजी हो। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग जान सके कि ये क्या कर रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।